स्टाइल मार क्या वाह, अगर नया चश्मा पहन के दिस इज योर चाइल्डहुड फैंटेसी ऑफ दिस इज नॉट माय चाइल्डहुड फैंटेसी देन चाइल्डहुड फैंटेसी मेरा ये था कि मैं इतना छोटा आदमी बन जाऊं और कहीं भी घुस जाऊं, मतलब ऐसे बहुत मतलब पलंग के नीचे घुस जाऊं, सबकी बातें सुन लूं, ऐसा मेरा फैंटेसी था। दैट्स हाउ यू बिकेम अ जर्नलिस्ट बट योर दिस रिमाइंड्स मी ऑफ अ विजुअल ऑफ रॉबर्ट थेरियंस वर्क यू जस्ट शेयर्ड इट यस्टरडे इन फैक्ट दैट्स द कोरिलेशन आई मेड वेयर क्या काम है, पहले काम बताओ क्या काम है। सो दिस आर्टिस्ट ही ब्लोज अप स्मॉल और लाइफ साइज ऑब्जेक्ट्स लाइक चेयर्स टेबल्स यूटेंसिल्स पॉट्स एंड पैन्स इनटू अ साइज वेयर दे बिकम मॉन्यूमेंटल इन स्केल। जैसे कुर्सी है तो कुर्सी तो नॉर्मली आपके कमर के नीचे तक होती है, लेकिन समझिए कि कुर्सी आपके घर से भी ऊंची है, तो मतलब टचिंग द सीलिंग। सो ऑल ऑफ अ सडन द कोरिलेशन बिटवीन यू एंड द ऑब्जेक्ट चेंजेस हाउ यू परसीव थिंग। हाँ, कल वो फोटो लगाने के बाद और उस उनके बारे में सर्च किया, हमको पहले भी वो आर्ट हम पहले भी देखे थे, तो पता चला कि बहुत लंबे समय से काम कर रहे थे, लेकिन 1993 में वो जो कि अंडर द चेयर, उससे उनका ब्रेक थ्रू मूवमेंट माना जाता है। किचन यूटेंसिल्स को भी उन्होंने आउट ऑफ द ब्लो प्रपोर्शन में वो ले गए, फिर और भी बहुत सारी चीज़ें छोटी छोटी डे टू डे की जो चीज़ें होती हैं, तो मेनली वो शायद पॉप एंड कॉन्सेप्चुअल आर्ट करते हैं। राइट, सो हिज थीम्स हैव बीन चाइल्डहुड बट हाउ वी डील विद चाइल्डहुड is very important. This by making you feel like a tiny thing and everything else so giant actually can make you feel like a baby. But nothing is in your control. There's nothing in your reach. बहुत सारे artists का, Jeff Koons का भी पूरा का पूरा काम वो कहते हैं कि childhood में जो हम चीज़ें देखते थे उसी से मैंने चीज़ें बनाई हैं बाद में जाके, जैसे जो उनका जो balloon है या उनका जो पपी एंड टॉयज ऑल ऑफ इट। तो चाइल्डहुड मेमोरीज का बहुत बड़ा रोल रहता है किसी भी चीज़ में से। राइटर्स का भी देखते हैं तो बहुत सारा बताते हैं कि चाइल्डहुड के समय यह आइडिया आया था, उस तरह से काम करते हैं लोग चाइल्डहुड पे। लेकिन रॉबर्ट थेरियन का काम अमेजिंग है, मतलब मस्ट वॉच। तो हम फोटो लगा देंगे इसका कमेंट में बहुत सारा देखने के लिए।